और ये है ब्यूटीफुल नज़ारा सोलांग वैली का, जबरदस्त अल्टीमेट। हर जगह पैराग्लाइडिंग हो रही है, बाइक्स हमने साइड में लगा दी है। यहाँ से 20 मिनट का रास्ता होगा नीचे का मनाली का, और बाइक स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी चल रही है 60 की स्पीड पे। लोग कर रहे हैं पैराग्लाइडिंग। वहाँ से है जो फुल वाली है ऊपर से जूम, उसका 3200 प्राइस है, और इसका जो यहाँ से कर रहे हैं इसका 1000 रुपीज़ चार्ज है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा, मैं बड़ी वाली भी कर सकता हूँ। कर ले दोबारा, बड़ी वाला है। कैसा था तेरा? एंड मजा आया भाई, हाइट फो भी आया, खुल गया। तेरे पैर क्यों कांप रहे थे भाई? इसके पैर कांप रहे थे हैं? पैर कांप रहे थे भाई बहुत ज्यादा। अभी भी कांप रहे हैं। बड़े वाली कर ले, अब कर लेगा हैं। मिनट बाद हम पहुंचे अंजनी महादेव के मंदिर, बहुत जबरदस्त है, अभी हम भी चलाएंगे। और ये है सारा व्यू, वहां पे है मंदिर, वहां पे। सोलांग वैली आ रहे हो ना, क्वाड बाइक जरूर करना, कुछ मत लेना, क्वाड बाइक से अंजनी महादेव के मंदिर जरूर आना, बहुत अच्छी जगह है। ये मंदिर है, ये झरना, आ जाओ दिखाता हूँ, आ जाओ। ये देखिए, ये ब्यूटी यहाँ की, वाह, झरने से पानी आ रहा है शिवलिंग के ऊपर। कैसा चल रहा है भाई? भाई बहुत मजे आ रहे हैं भाई, बहुत मजे आ रहे हैं। सोलांग वैली की एक्टिविटी और हम भाई इतना एंजॉय कर रहे हैं भाई, पूछो मत, कुछ पता ना। अभी हमें बाइक लेके मनाली जाना है, उसके बाद मनाली से शायद हमें चेकआउट तो कर दिया है, शायद स्टे नहीं करेंगे, और फिर यहाँ से हमें जाना है कहाँ, अपना चंडीगढ़, एक दिन चंडीगढ़ स्टे करना है। मन नहीं है यहाँ से जाने का, मन नहीं कर रहा भाई, अभी तो जिप लाइन जाना है हमें, और 8 बजे और बारिश का मौसम है यहाँ पे। मजा आ रहा है भाई, मौसम दिखाओ इनको। ओ भाई साहब मजा, भाई मजा गजब, बहुत अच्छी जगह है। मतलब अच्छे से दोस्तों के साथ आओ ना, और टाइम निकाल के, और अगर आपने सोच रखा फुल एंजॉय करना है तो बहुत मजा आएगा, तो बहुत अच्छा। दिस इज थुपका, पहाड़ी डिश है, नूडल्स और वेजीज होती है, बॉइल्ड उसके साथ सूप होता है। मोमोज और थुपका, पहाड़ों में आया तो ये जरूर खाना, थुपका तो बहुत ही टेस्टी होता है, और ये वेज मोमोज इसको इसके अंदर डिप करके, और उसके बाद अल्टीमेट। Thank you.
आज है मंडे और कल रात हम यहीं रुके सोलांग वैली से आते रात को लेट हो गए थे 9 बज गए थे हमें बाइक रेंट पे थी बाइक वापस दी फिर खाना खाया लेट ज़्यादा हो गए थे इसलिए हमने कैंसिल किया कि घर निकलने का प्लान या चंडीगढ़ जो भी हमारा प्लान था हमने नाइट स्टे किया मनाली में और अभी टाइम हुआ है कुछ 11 बज रहे हैं और हम सारे उठ रहे हैं रेडी हो रहे हैं रेडी होकर यहाँ से सीधा घर के लिए निकलेंगे। ये देखो लंगूर ये देखो दिखाइयो लिपस्टिक लगा गया दिखाइयो पटेल जी कैसा मिल रहा है आपको बनाए रुक के फाइनली है रुक के कैसा मजा आ रहा है ठीक है अच्छा है भाई जो भी होता है मामू कैसे रखे मेरे मामू तो फिर मामू मिल रहा है ब्लॉगर को हैं ब्लॉगर को मामू पागल है क्या सारे कहीं हमें साथ लेके चलो कोई कह रहा है घर चलना है कोई कह रहा है चंडीगढ़ चलना है कोई कह रहा है यहीं स्टे करना है 6 लोग हैं ना सबकी राय अलग अलग चलती है तो अभी तो अच्छा है यहाँ रुके हुए हैं मौसम बहुत अच्छा है यहाँ एक और नया दिन और आज फिर आया हम मनाली माल रोड निकलने से पहले थोड़ी शॉपिंग और फिर ब्रेकफास्ट हम यहीं करेंगे उसके बाद घर के लिए ट्रैक ढाई बजे चले थे मनाली से और अब टाइम हो रहा है 8:30 बजे अब हमने स्टॉप लिया है डिनर का टाइम हो गया यहाँ डिनर करते और यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर रह गए माउंटेन्स और उसके बाद चंडीगढ़ आगे जा बेटा ओए इसकी मम्मी कहेगी बीच में फन टाउन रुका था क्या प्री ब्रेकफास्ट है ना या पोस्ट डिनर है प्री ब्रंच है करो ऑनलाइन ऑर्डर करो झिंगड़े तू मत खा भाई क्यों तेरे पीछे बैठा नहीं जाएगा हम तो भाई गाड़ी वाले चलाएंगे तू पपड़ी देगा ठीक है जुर्त क्या वैसे सागर थोड़ी आएगा कल सागर नहीं आएगा नहीं आएगी तू पिन्नी देख ले आज मत चला यार तो क्या चलो चप्पू चलो बोर्ड चला तू गाड़ी के ऊपर इसको तुम ले पहले पानी पी दे
पानी दे रहा भैया ऑर्डर ले लो। सुबह 5:30 बजे अपने होम टाउन।